जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता है, और एक ऐसा ही मामला पेश आया है जहां पर बताया जा रहा है कि एक रीच ने एक शख्स पर हमला किया है, और जो हमला है जिसमें से एक शख्स की जान चली जाती है और दूसरा शख्स जो है वो जख्मी हो जाता है। इस हवाले से आपको जानकारी देंगे, रामबन की बात करेंगे। जिला रामबन की तहसील उखड़ाल पोगलपरिस्तान में पूरा मामला पेश आया है जहाँ पर ऊपरी जंगलाती इलाकों में रीच ने हमला किया, जिसमें से एक शख्स की मौत वाकया हो गई जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। और ये शाम के वक्त पेश आता है जब आटो टाप चोटी की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है जहां पर बताया जा रहा है कि एक शख्स जो हलाक हुआ है उसकी शनाख्त जो है नज़ीर अहमद मलिक के तौर पर की गई है, और जो दूसरा शख्स जो जख्मी हुआ है उसकी उम्र 15 साल है और उसका नाम रियाज अहमद गोरसी बताया जा रहा है। और ये जो 15 साल का जो ये बच्चा था इस पर जब हमला होता है और जख्मी हालत के बाद इसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर उखड़ाल मुंतकिल किया जाता है और जहाँ पर इस शख्स का इलाज जारी है। और महकमा जंगली हयात की बात करेंगे तो उनकी तरफ से जो रेंज ऑफिसर है उनकी तरफ से कहा गया है कि जब ये पूरा मामला पेश आया उसके बाद टीमें वहां पर भेज दी हैं और जो रीच है उससे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मामला पेश आया है रामबन में जहां पर रीच के हमले में एक शख्स की जान चली जाती है जबकि दूसरा शख्स जख्मी है। फिलहाल उस दूसरे शख्स का इलाज चल रहा है।